छत से कैसे आवाज आ रही है? ऊपर देख रहे हो कितनी जोर से आवाज आई है? अभी कुछ गिरा है ऊपर, जाओ जाके देखो। ओ अच्छा, हमको लगा आप कहीं हमारे घर में तेंदुआ तो नहीं घुसा। तेंदुआ? हाँ फौरन जाइए, चेक करके आइए। जाइए। हम चेक करके? बेगम वो आया है तो खुद ब खुद चला जाएगा ना। नहीं जाएगा ना मियां, आप जाइए ना, चेक करके आइए। कुत्ता कमीना नालायक, उल्लू पाजी गधा सुअर बंदर। हम तुमको नहीं दे रहे गाली। तो किसे कह रहे हैं? वो जो चोर है उसको बक रहे हैं। चोर को? आ कम वक्त ने रात भर हमारी परेड करा दी मिया। अरे भैया पकड़ा जाए नहीं शांति जी भी ड्यूटी बजवाएंगी। आप कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? आप तो सो रहे थे मिया। तो नहीं रहे थे, ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन। लड्डू मेडिटेशन कर रहे थे आप मिया? मेडिटेशन के साथ साथ ना आप खर्राटे भी भर रहे थे। बाखुदा चोर से कम आपके खर्राटों से ज्यादा खौफ खा रहे थे हम। हम इतने भयानक खर्राटे लेते हैं, रात भर पूरी हवेली में आपके खर्राटों की आवाज गूंजती रही। अच्छा तो तुम कौन सा बड़ा तीर मार रहे थे? तुम भी तो स्टूल पे बैठे वॉचमैन गिरी का ढोंग कर रहे थे और थोड़ी देर बाद जमीन पे गिर गए थे, जो तुम हो गिरे हुए इंसान। अरे मिश्रा जी आज वही रहने का इरादा है क्या? आ रहे हैं शांति जी, आ रहे हैं। अच्छा सुनो, ये जो हमारे खर्राटे लेने वाली बात है और तुम्हारी जमीन चाटने वाली बात, इसको यहीं गाड़ दो, हमारी बीवियों को ना पता चले। कौन सी बात? बहुत सही। हम मर जाए कुछ हो जाए, क्या करने का जमा? दिन भर बेगम बेगम करते हो, रात को भी तुमको चैन नहीं है। बेगम बेगम कहते हो, घुस गए। एक औरत तुमसे कंट्रोल नहीं होती। और तुमसे कंट्रोल हो जाती है? चाय लाए तुम्हारे लिए ताकि नींद ना आए। हमारे जैसी बीवी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आपको समर्पण। पी लेना। शांति जी, शांति जी, एक मिनट, इधर आइए। देखिए हमको पता चल गया है, चोर ने पुलिस को पकड़ लिया है। ऐसा क्यों? क्या है, है? रात को मियां बीबी की बातें सुन रहा है बदतमीज कहीं का? रात में भी चल नहीं तुमको? अरे चलो हो गया। तो हम कह रहे थे कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, मामला लग रहा है सुलझ गया, तो अब ये चाय वाय की जरूरत नहीं है। अब हमको चल के सुला दीजिए। लो फिर और सुन लो। लो फिर और सुन लो। अभी तक हमारे ग्रुप और भाई क्या चल रहा है पे एक भी मैसेज नहीं आया है ऐसा कि जिसमें पता चले कि चोर को पकड़ लिया गया है। अरे बच्चे बाबूजी सारा मोहल्ला एकदम डरा हुआ है बिल्कुल। और अगर गलती से भी चोर आ गया ना और कुछ चोरी वोरी करके चला गया तो समझ लेना सकीना जिंदगी भर हमें इस बात के ताने मारेगी। समझ रहे हो? ज्यादा दिमाग ना खराब हो, चुपचाप चाय पियो और पहरा दो, सुबह बात होगी। बदतमीज कहीं का? अरे अरे राम, ये जो थर्मस में चाय बनाई है इसकी लस्सी बनाएंगे क्या? खुद को भी नींद आ रही है, हमें भी सुस्ती दिला रहे हैं। दो कप डालिए जल्दी। हमारे लिए स्पेशल चाय बनी है, हमारी जब मर्जी होगी तब पिएंगे, तुमको क्यों दें? मियां देखिए, अगर आप हमें चाय पिलाएंगे तो हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे जिससे आपकी सारी नींद भाग जाएगी।
तुम्हारे किस्से में हमको क्यों इंटरेस्ट होगा? क्योंकि मियां ये किस्सा नहीं है, कांड है। कांड तुम्हारे सारे कांड हमको पता है, तुम्हारी बेगम पे शुरू होंगे और बेगम पे खत्म होंगे। मियां ये उससे भी बड़ा कांड है। उससे भी बड़ा? लो चाय पियो। नहीं नहीं मालिक, पैसा नहीं लेंगे। पक्का? स्टैम्प पेपर पे लिख के दें। पक्का मालिक, चलिए फिर चलते हैं। फिर कोई काम हो बताइए। ये तो बहुत अच्छा सौदा है, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और सारा काम जो हमें करना पड़ता है वो भी हो जाएगा और मिर्जा चलेगा सो अलग। अरे सुनो ले, हेलो आओ। हमारे यहाँ काम करोगे? अबे ये आपको शोभा नहीं देता है। क्यों नहीं करेंगे मालिक, बिल्कुल करेंगे। कहाँ से हो भैया हीरा लाल? क्या बताए मालिक, कहाँ से? तो कुछ छोटे से गांव में कुछ छोटा सा घर था हमारा। अरे हमारे पड़ोसी का ऐसा बुरा नजर पड़ा हमारे घर पे, तो ससुर कब्जिया ली तो हमको एक दल लात मार के बाहर भगा दिया। मालिक ना हम आए कोई लड़का ना महरिया, तो बस भटक रहे हैं काम की तलाश में और क्या। हम तो कह रहे कीड़े पड़े हैं ऐसे पड़ोसियों को। नहीं तो अरे ये पड़ोसी होते ही ऐसे हैं। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। चलो ठीक है, हम तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे। मालिक मालिक मालिक, शिव जी की सौगंध मालिक, एकदम आपके चरणों में हम ऐसे ही काम करेंगे, दिन रात आपकी सेवा करेंगे, आपके सारे काम हम करेंगे। अजीब लेता ना भाई। ठीक है ठीक है, सुनो मान गए क्या? ठीक है, आओ पीछे पीछे आओ, आओ आओ चले आओ। अरे ये तो अच्छी बात है ना। क्या खाक अच्छी बात है अम्मी जान? अम्मा उन्होंने नौकर खाना बनाने के लिए नहीं, हमारा खून जलाने के लिए रखा है। अरे वो एक नौकर रखे है पूरी रसोई की पलटन, इससे आपको क्या और हमें क्या? आप तो खाम खाम उबाल खा रहे हैं। नहीं नहीं अम्मी जान, आपकी कसम खा के कह रहे हैं, शांति भाभी कैसे तेवर हमने आज से पहले नहीं देखे। वो खुद मालकिन बनकर ना ऐसे ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही थी उनको और खुद शॉपिंग चली गई। ऐसा लग रहा है मानो उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। अम्मी जान और तो और बेचारी इनको भी काम से निकाल दिया उन्होंने, बताओ। हाँ अम्मी जान, देखिए बाजी हम ना यहाँ पे सिर्फ आपकी वजह से टिके हुए हैं, नहीं तो हमें बाहर कोई काम की कमी थोड़ी ना है। हमारा जो नुकसान होगा उसके लिए आप है ना पूरा कर देंगी ना? क्यों सही कहा ना नवाब साहब? पारो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, हम लखनऊ के नवाब हैं, आपका नुकसान होने नहीं देंगे। जाइए, हम आपकी तनख्वाह अगले महीने दुगनी करके देंगे। शुक्रिया नवाब साहब, शुक्रिया। बाजी हम ना रसोई में काम देख कर आते, ठीक है? वाह नवाब साहब वाह, दिमाग खराब हो गया है आपका? समझ भी रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हमें तो शक है, ना जाने आप दुकान कैसे संभालते हैं। नौकरी उसकी गई है और वो अपने नुकसान की भरपाई आपसे करवा रही है। माहौल बेला कुवत। जाने दीजिए ना अम्मी जान, अब आप ही बताइए अगर कल को पारो काम छोड़कर चली गई तो हमारा क्या होगा? वैसे मियां हम भी एक नौकर तो रख ही सकते हैं ना? हाँ हाँ बेगम जरूर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, हम नवाब हैं। ऐसा सकीना बेगम, आपको नौकर की क्या जरूरत? आप क्यों फिक्र करती हैं? आपके लिए जफर मियां है ना, ये दुकान पे कम घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। आए मालिक। देखिए मिश्रा जी के काई अपन को कोई झेल नहीं सकता, ये हीरे की चमक भी दो दिन में कम हो जाएगी। हीरा। अरे बेटा हीरा, तुमने हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था, खा के हमको ना हमारी अम्मा की याद आ गई है। लेकिन बेटा बहुत गुड़गुड़ हो रहा है पेट में, क्या डाला था हलवे में? गुड़। गुड़? हमारा मतलब बड़े मालिक, रसोई में शक्कर बहुत कम थी तो हम थोड़ा उसमें गुड़ मिला दिए।
लेकिन तुम्हारे गुड़ के चक्कर में हमारा तो गोबर मतलब हमारा तो गुड़ गोबर हो गया ना बेटा। अब तुम एक काम करो, थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ एक गिलास में, उसमें थोड़ा नींबू और सेंधा नमक डाल देना, समझे? एक बार और कोशिश करके देख। अजी बोल, जितना हलवा पूरी खाना है खा लो, एक बार हमको हमारा हीरा मिल गया ना, ऐसा चूरन चटाएंगे, ऐसा चूरन चटाएंगे, याद रखोगे? चूरन? कैसा चूरन? मालकिन, बाबूजी के पेट की हालत बहुत खराब है, हमसे ना देख ही नहीं जा रहे, तो हम सोचे कि उनके लिए एक तो देसी चूरन बना दे, तो वैसे चूरन। अरे वो सब छोड़ो तुम, उनका तो रोज का ही है, तुम आओ जल्दी आओ चौके में, उनको बहुत काम पड़ा है। हाँ। आओ। अब यहाँ से हीरा निकालने का कोई अलग ही जुगाड़। ये लो हीरा। एक मिनट, चार रोटियाँ कम तो नहीं पड़ेंगी? अरे नहीं नहीं, काम चला लेंगे, बस सब्जी डाल दीजिए थोड़ी उसमें। अरे सब्जी तो तुमने इतनी बढ़िया बनाई थी कि सारी खप गई। अरे बाबूजी और बच्चों ने ऐसे चाट चाट के खाई, क्या बताएं तुमको? फिर आप सूखी रोटी खाए क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम सूखी रोटी खिलाएंगे तुमको? अरे तुम ही ने तो कहा था कि तुमको रोटी के साथ सब्जी से भी ज्यादा अच्छा अचार लगता है, कहा तो था। कहा तो था। अच्छा वो नयका अचार बन गया क्या? अरे नहीं नहीं, उसको तो समय लगेगा, अभी 2-3 दिन में हो जाएगा वो भी तैयार, लेकिन हमारे पास बहुत बढ़िया अचार है पहले का, वो खिलाते हैं तुमको, रुक जाओ जरा। ये लो तुम, अरे इतना बढ़िया है, मजा आ जाएगा बस खा के तुम्हें, ये देखो। अरे खाओ, अरे खाओ। कैसा लगा? गजब। अरे चाचा, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं? लगता है इन शैतानों को फिर से स्कूल का होमवर्क करवाना है। ए छोटे मालिक, अचार खा रहे थे मालकिन के हाथ का बनाया हुआ, थोड़ा खा देखे, बहुत गजब है। अरे नहीं नहीं भैया, ये आप ही खाइए, 2 साल पुराना अचार कौन खाए? 2 साल? चुप बदमाश, कुछ याद भी रहता है तुमको? अरे 2 साल पहले तो हमने इसकी फफूंदी साफ की थी, याद नहीं है? 4 साल पहले जब तुम्हारी नानी आई थी तब बनाया था हमने ये अचार। अरे थोड़ी सी फफूंदी लग गई थी, साफ कर दी हमने और फिर धूप दिखा दी, तब बढ़िया हो गया अचार, नीचे से एकदम सही था। और लो तुम, और लो। अरे लो खाओ, ठीक से खाओ। वैसे फफूंदी क्या होती है? फंगस, कीटाणु। अरे ऐसे सूखा सूखा क्यों खा रहे हो? जब अचार दे रहे हैं तो अचार के साथ खाओ, ऐसे कैसे खा रहे हो? लो। अरे हर दौर में ज्यादा ज्यादा अचार खाओ, इस बहाने हमारा अचार भी खत्म हो जाएगा। हम इसे खत्म करवानी थी क्या अचार? नहीं नहीं, अरे हमारा मतलब ये है कि हमारा अचार खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी 2-3 दिन में नया वाला भी तैयार हो जाएगा, वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, समझ लो हीरा बस तुम्हारे नाम से लिखा था ये अचार पूरा। हीरा बेटा, जल्दी से अपना हीरा ढूंढो और यहाँ से निकलो, वरना पेट के जैसे तुम भी बह जाओगे। किसमें होगा भैया? मुसीबत है। हीरा, 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 हीरा। वैसे जनाब, आप वाकई में एक नायाब हीरा हैं। देखिए, हमसे आपकी हालत देखी नहीं जाती है। एक काम कीजिए, ये लीजिए, पैसे लीजिए, अपनी दवा कराएं। इसकी क्या जरूरत थी नवाब साहब? जरूरत है हीरा, जरूरत है, क्योंकि हम जैसे नवाब ही आप कदर समझ सकते हैं, ना कि ये मिश्रा जी जैसे फक्कड़ लोग। देखिए, ऐसी जगह काम करके क्या फायदा, जहाँ ना इज्जत है ना पैसा है। एक काम कीजिए, इन फकीरों को छोड़ के हम जैसे नवाब के खादिम बन जाइए, पैसा लीजिए बस। शर्म नहीं आती तुमको मिर्जा? एक भोले भाले गरीब इंसान को बहकाने की कोशिश कर रहे हो,
अरे हमारे नौकर को बरगलाने के बजाय अपनी चाय की दुकान संभालो, समझे? अमा हम क्यों बरगलाने लगे? हम तो बस इनका हालचाल पूछ रहे थे, क्योंकि दवा दारू के लिए आपसे पैसों की उम्मीद रखना तो मियां बेवकूफी है। हमको तुमने अपनी तरह समझ लिया है क्या है? ये लो हीरा, जाओ अपनी मर्जी से दवा दारू ले आओ, बाकी के पैसे रख लीजिएगा, आपके काम आएंगे, क्योंकि बाद में इनसे पैसे मिल ना पा सकेंगे। हाँ हाँ रख लो। इधर देखो, हम तुमको आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, हीरा से दूर रहो, बता दे रहे हैं। हमारा मियाँ हमारी छोड़िए, अपने नौकर को संभालिए, कहीं आपको छोड़ के भाग ना जाए, फुर हो जाए, फुर। एकदम बात करने की तमीज नहीं है, मना नवाब फिरा घूम रहा है। अरे मिश्रा जी, क्या हुआ? डॉक्टर से दवाई ले आए क्या? अच्छा, और तो तुम ही चटा रही थी बैली। नहीं देखिए शांति जी, दवाई का बंदोबस्त होता रहेगा, उससे पहले हमें पड़ोसियों का बंदोबस्त करना होगा। क्या कह रहे हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहाँ कुछ समझोगी बैली। देखिए शांति जी, अगर आप चाहती हैं कि हमारी और हीरा की चमक बनी रहे, तो आपको हीरा का ध्यान और पड़ोसियों से दूर रखना होगा। लो फिर और सुन लो, अरे तो हमने कौन से कोड़े बरसा दिए हीरा पे? अरे खुद ही नौकर लेकर आए हो और आप मार खिचड़ी जूस सेवा सब हमसे करवा रहे हो, अरे इससे तो अच्छी हमारी पारो ही थी। मैं मरी जा रही भाई जी। क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या नहीं नहीं कुछ नहीं बड़बड़ा है। अरे कुछ नहीं, चलिए हम आपको समझाते हैं, चलिए आइए आइए। अबे मिर्जा, तुम वन कंगारू बने कोने में काहे खड़े हो? मिश्रा जी मतलब तरक्की कर रहे हैं तो तुम्हारी जलन कुढ़न चालू तुम्हारे मुंह से लग रहा। अबे कुछ सीख लो इनसे, नवाब जफर अली हो कुछ नवाबी अली रंगबाजी तुम भी दिखाओ। मियां देखिए, बात ये है कि हम नवाब दूसरों की तरह दिखावा नहीं करते, और रखने को क्या है, हम हीरा को ही रख ले। लेकिन क्या है कि हम किसी भी राह चलते को अपना मुलाजिम रख नहीं सकते। मियां हम लखनऊ के नवाब, हम लखनऊ के नवाब, हमारे भी कोई तौर तरीके होते हैं मियां। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे नौकर को हथियाने की, और कितने बड़े नवाब हो ये पूरे मोहल्ले को पता है। अरे भाई, हीरे की कदर सिर्फ जौहरी जानता है, कोई चाय वाला नहीं। सारी परख तो आप ही को है, पनवाड़ी को। तमीज से है लड्डू, तमीज। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अबे गजब, क्या चाय बनाई से यार, एक ही घूंट में नस नस खुल गई। क्या हुआ? अरे हीरा, मिर्जा भाईजान को चाय दी कि नहीं? अच्छा आपने भिजवाई है शांति भाभी, तो हम मना कैसे कर सकते हैं। लाइए, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, बस पत्ती थोड़ी ज्यादा उबालिए और बारीक अदरक कूटिए और चीनी थोड़ी कम डालिए तो लजीज बनेगी चाय। अबे भैया, जब चाय के विषय में इतनी ही PhD करे हो, कभी अपने आप भी बारीक अदरक कूट के पिला देते। अबे तुम बहुत देखे देखे लग रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, कौन जिले से हो तुम? नाम अभी बताए नहीं है साहब, नाम हमारा हीरा लाल है। रहने का क्या बताएं साहब, एक तो छोटे से गांव के एक तो छोटे से घर में रहते थे। अरे पड़ोसियों का इतना बुरा नजर पड़ा हमारे घर में, कब्जिया लिए, हम मालिक से बोले कि हमको दू गो रोटी। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जगह रहता है, गणेशगंज भेड़ी मंडी में। हाँ, बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन यार ये आदमी हमको बहुत देखा देखा लग रहा, मेरे दिमाग ही नहीं चढ़ रहा, कहाँ देखा है इसको। लो फिर और सुन लो। अरे बिट्टू भैया, आपकी किसी दिन अलग से बैठक करा देंगे हीरा से। ऐसा है पारू, इतना लेट तो अनिल कपूर भाई साहब अपनी शूटिंग में नहीं आते, जितना लेट तुम बर्तन चौका झाड़ू पोछा करने आती हो। अरे बिट्टू भैया, हम क्या बताएं, हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई है ना, अब आपको फोन भी कैसे करते, हमारा रिचार्ज जो खत्म हो गया था। रिचार्ज खत्म हो गया? हाँ। एक बात कहें,
जितना खर्चा तुम्हारा रिचार्ज का है ना, उतने पैसे में मोहल्ले की जो और काम वाली है अपना पूरा घर खर्च चलाती है। खैर उससे हमको क्या लेना देना, तुम ये बताओ मुसीबत कौन सी आ गई? अरे बिट्टू भैया, ये हवेली वाले 3-13 वाले ये तो हमारा जीना हराम करके रखे हुए हैं। कभी हमें काम पे रख लेते हैं, कभी हमें काम से निकाल देते हैं, फिर दोबारा हमें काम पे रख लेते हैं। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। मतलब वो जो हीरा था ना, हीरा, वो पहले शांति जीजी का काम करने लगा तो शांति जीजी ने हमें काम से निकाल दिया। अब वो सकीना बाजी का काम करने लगा तो उन्होंने हमें काम से निकाल दिया और शांति जीजी ने हमें दोबारा काम पे रख लिया। अरे मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने हमारा। बस खुद बातें छौंक रहे थे कि भाई जी बिट्टू, तुम्हारा भाई उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पान का शॉपिंग मॉल खोल रहा, कलकतिया बनारसी और जाने क्या क्या अलग अलग खंड में मिलेगा, एक नौकर नहीं रोक पाए। बेकूफ कहीं के। ठीक है, ज्यादा नमक न रगड़ो। तुम्हारा क्या है, तुम तो सिर्फ मजे ले रहे हो। काहे न मजा ले, कोई एक आदमी हमको बता दे कि इसलिए मजा न लो। जब भाई जी हमारा भाई मिर्जा हर गेंद में छक्का मारेगा तो बिट्टू भैया मजा नहीं लेंगे। इस बार तुमने मिर्जा बिल्कुल नवाबों वाला दिमाग लगाया है। जैसे नौकर कब्जिया लिया धीरे से, एक दिन वैसे ही धीरे से हवेली कब्जा लेना। और बिट्टू की यहाँ जरूरत हो रात में 2 बजे अपने भाई को याद जरूर कर लेना। शुक्रिया। अभी नौकर छीनी से, कल को हवेली छीन लेगा। कहे ये बताओ, हवेली में सुना है पुलिस आई थी और हीरा चोर भी पकड़ गया है, लेकिन उसका एक साथी और हीरा गायब है। ऐसा तो नहीं दूसरा साथी हीरा लेके अपनी हवेली में कहीं छुपा हो? लेकिन बिट्टू मियां, हम तो रोज रात में छत पे तैनात रहते हैं। उस दिन पुलिस भी आई थी तलाशी करने, लेकिन उन्हें चोर मिला ही नहीं। अबे चोर नहीं मिला, चोर जाए अपनी खोपड़ी में। हो सकता है चोर हीरा तुम्हारी हवेली में छुपाने के बाद कहीं भाग गया हो। हीरा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा मतलब हीरा, और हमारी हवेली में? और क्या, हमारी हवेली में। मौज तो तब आएगी भाई जी मिश्रा, जब अपने हिस्से में हीरा छुपा होगा। अगर मिर्जा के हिस्से में छुपा होगा ना, वो तो हो जाएगा रातों रात करोड़पति। और करोड़पति बनते हैं सबसे पहले तुम्हारे काम लगाएगा हवेली के साथ साथ जो मिश्रा पान भंडार खोले हो, वहाँ लिखा होगा मिर्जा पान भंडार। और जो लिखे हो रूठी बीबी को मनाना तो मेरे पास आना, फिर शांति भाभी जाएंगी उनके हाथ पर जोड़ के मनाने उनको। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम हो बे नंबर एक के बतौले बाद। मिर्जा अब तक अपनी बीवी बच्चों को लेके हीरा ढूंढने भी लगा होगा, उसके बच्चे उसका कहना भी मानते हैं। तुम्हारा तो लौंडा तुमको देख के कहता है बहुत सही बहुत सही। बाप दिन भर तुम्हारा हरी बोल हरी बोल, बीबी तुम्हारी बात बात में लो फिर और सुन लो लो फिर और सुन। मिल गया। अरे 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 बिटिया, अरे बिटिया, अरे वो देखो तेंदुआ कितना बड़ा है। दादी अब तो रजनीकांत निकली। अरे ये तो हीरा है। अरे वाह, दो हीरे। अरे ये तो वो हीरा लग रहा है जो म्यूजियम से चोरी हुआ था। लग नहीं रहा है मास्टर जी, नवाबों का करोड़ों का हीरा है। ये हीरा हमारा है। हमारा है मिर्जा, छोड़ो, हमारा है। शांत रहो यार, हीरा हमने चुराया, ये हीरा हमारा है। और उस रात ये हीरा जार की बरनी पे हमने छुपाया था।
तभी यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं हम। हरी बोल। तभी हम कहें कि ये हमारे अचार के पीछे क्यों पड़ा था। उसी चक्कर में आपने आधी बर्नी साफ कर दी क्यों? जी अम्मी जान। ऐतिहासिक हीरे को अपना कहते हो? शर्म नहीं आती? लाहौर में हुकूमत। बस सही किया बड़ी भी आपने। और हीरा तुम्हारा कहां से हो गया? तुमने तो खुद उसको चुराया म्यूजियम से, चोटे कहीं के। आदि बेटा हमारा मोबाइल लेके आओ जरा, अब पुलिस को फोन लगाते हैं, अभी पता चल जाएगा हीरा किसका है। जी दादाजी। इनको ये हीरा बेच करके जो भी फायदा होगा ना आपस में बांट लेंगे ना। जाओ। हाँ, सही बात है, सही बात है। अरे बाबूजी, बाबूजी, अरे रहने दीजिए बाबूजी, जाने दीजिए। बहुत सीधा है, गलती मान तो रहा है, और इंसान से ही गलती होती है, हमसे भी तो तीन तीन बार हुई है। बाबूजी इनकी शक्ल देखिए, देखिए ना कितने मासूम से नजर आ रहे हैं ये। देखिए मिलके सेटल कर लेते हैं ना। सेटल कर लेते हैं? क्या सेटल कर लेते हैं? अरे सेटल मतलब आधा आधा कर लेते हैं, माल आधा आधा कर लेंगे। अरे आधा आधा कैसे? अरे हीरा हमने चुराया यार, हम कहाँ गए? ठीक है मियां, तीन हिस्से कर लेते हैं। अरे क्या बकवास है ये। हरी बोल। हरी 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 हरी। बाबूजी अगर हमारे पास पैसा होगा तो आपका खुद का शमशान होगा, लाशें ही लाशें, कब्रें ही कब्रें, मुर्दे ही मुर्दे। क्या क्या बोलते हैं वो सफेद सफेद क्या उड़ाते हैं? कफन कफन बाबूजी। फिर मुद्दे की नहीं मुर्दे की बात होगी, मुर्दे की। गुलाले घाट भाई साहब कौन सब आपका। हम पन्ना भाई चलो यार चले। अभी मर गए। सवाज मिश्रा मिर्जा, कल रात थाने में फोन करने के बाद से जिस तरह आप लोगों ने मिलकर चोर का भरोसा जीता और हमारे आने तक चोर को रोक के रखा, उसके लिए थैंक यू। पुलिस को कल रात ही फोन कर दिया था। हाँ भैया, और पन्ना लाल को भी मैंने ही जेल से निकाला था ताकि वो तुमसे जाके मिले और तुम उसे हीरा दे दो। लड्डू खाओगे? चल नहीं चल। अरे एक मिनट एक मिनट। अरे भाभी जी जा रहे हैं जेल हम लोग, मौज मारी है आप लोग। एक बात कहें, आप लोगों ने हमारी हालत ना जेल से भी बदतर कर दी थी। अच्छा एक बात। शांति भाभी आपका जो अचार है ना, फेंक दीजिएगा उसे, दो कौड़ी का है। सर सर वो हमारा 5 लाख का इनाम। अरे सरकारी इनाम है, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। क्या चलो पाचना।